ओके स्टूडेंट्स, सो अब चलो नया टॉपिक देखते हैं क्या, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म्स। इक्वेशन को रिड्यूस करना सिंपलर फॉर्म में ये बहुत ही ईजी है, जैसे हम सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्जैक्टली वही तरीका है। जैसे यहाँ पे देखो, 6x+1/3+1=x-3/6, तो यहाँ पे आप देखो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व कर दो, राइट तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने कैसे किया, इन्होंने सीधे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट तो इन्होंने 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, दोनों साइड 6 को मल्टीप्लाई, इधर से 6 कैंसिल हो जाएगी, या फिर क्या कर, सिंपल एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये एलसीएम लेके क्या कर लोगे, अपॉन 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6x+1+3 हो जाएगा, राइट और यहाँ पे x-3/6, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट तो ये क्या आएगा वहाँ पे, सिंपल ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सो 12x+8=x-3, फिर यहाँ पे x की टर्म्स एक साथ लिख दो, बिना x वाली टर्म्स एक साथ लिख दो, इक्वेशन को सॉल्व कर दो, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप चेक कैसे कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो, जो ये x की वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो, तो 6 क्या है, x की वैल्यू -1, तो 6 -1+1/3+1=-1-3/6, तो यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है वो सेम आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे LHS की वैल्यू क्या है, -2/3, RHS की वैल्यू क्या है पुट करने पे, -2/3, राइट और देखो 6 -1+1 क्यों किया है -1, क्योंकि x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 कर दिया, राइट ऐसे ही एग्जांपल 17 भी है, सॉल्व 5x-2 (2x-7)=2×3x-1+7/2, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया अभी सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी का एलसीएम ले लो, 2 ये क्या हो जाएगा, 2×3=6x-1 (-6x-2) हो जाएगा, उधर से चला जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये जो पूरा इधर एलसीएम ले लोगे और ये 2 चला जाएगा इधर, राइट तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी वो एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, राइट फिर उसको चेक कर सकते हो कैसे, एलएचएस में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है 5/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इनके एक्स में, राइट और फिर यहाँ पे दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वेट कर दो, अगर इक्वल आ गई वैल्यू इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो सही है, राइट अब एक्सरसाइज 2.5, 2.6 दोनों इसी पार्ट में करेंगे, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी मैंने किया है, आप देखो उसको, हियर इज द फर्स्ट पार्ट, क्या है, x/2-1/5=x/3+1/4, तो आप देखो यहाँ पे (2/5), यहाँ पे (3/4), तो क्या करो, या तो ऐसे करो, फिर सबसे पहले x की टर्म्स एक साथ कर लो और जो बिना x वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लो, तो x वाली टर्म हमने इधर की, तो यहाँ पे -x/3 हो गया, ये इधर चला गया, तो +1/5 हो गया, है ना, साइंस चेंज हो जाते हैं जब एलएचएस से आरएचएस से आरएचएस से एलएचएस आता है, फिर अब क्या करो, सिंपल एलसीएम ले, 2 और 3 मतलब एलसीएम 6 आएगा, 4 और 5 LCM 20, 2 3 6, 3x 3x, 3 2 6, 2x 2x, 3x-2x, 4 5 20, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 5 + 4/20, 3x-2x, x/6=9/20 आया, राइट उसके बाद क्या किया है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 20 है इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 6 है यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट समझ में आया, तो 20x/50, 20x=54 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 54/20, क्योंकि ये जो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसको जब हम RHS भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 5 - 4 1, 2 7s are 14, 27/10, राइट ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में क्या है, (n/2-3n/4) (5n/6=21), यहाँ पे देखो एक सारी n की टर्म एक ही साथ है, बस उनका एलसीएम ले लो, तो क्या हुआ एलसीएम 2, 4, 6 का 12, फिर अब भाई वो टेबल आप उसी के अकॉर्डिंग, राइट सो 2, 6 are 12, 6 n's are 6n, 4, 3 are 12, 3, 3 are 9n, 6, 2 are 12, 2, 5 are 10n, और साइन तो वही रहेगा, राइट फिर यहाँ पे 21 तो है ही, उसके बाद क्या आ जाएगा 6n+n, है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ओके सो 10n-9n आएगा, है ना, क्योंकि 10n में से 9n जब चला गया तो एक ही n तो बचेगा, तो 1n लिखो या n लिखो एक ही बात है, फिर यहाँ पे 6n एज इट इज, फिर 6n+n कर दो 7, है ना, 6n और ये n मतलब 1n, तो 6n+1n कितना हो जाएगा 7n, राइट तो 7n/12=21, उसके बाद तो आपको पता ही है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइड है मतलब डिनोमिनेटर है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई मतलब न्यूमिनेटर में चल जाएगा (12), राइट फिर यहाँ पे सिंपल कट कर दिया 7 1 7, 7 3 21, फिर 3 12 कर दिया 36, तो n की वैल्यू 36, राइट
ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी किया है, एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन बाई सिक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू। उसके बाद एक्स की टर्म सारी एक साथ रखी है और बिना एक्स वाली टर्म एक साथ, तो यहाँ पे एक्स माइनस एट एक्स अपॉन थ्री और ये जो माइनस है इधर आएगा तो फाइव एक्स अपॉन टू हो जाएगा, राइट। प्लस और सेवनटीन बाई सिक्स इधर ही है और ये जो है इधर प्लस सेवन इधर जाएगा माइनस सेवन। इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम के साथ तो फाइव एक्स अपॉन सिक्स आया, इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम के साथ तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स आया। उसके बाद क्या किया आपको, जैसे पहले बताया था 5 बाई सिक्स है तो उधर जाएगा तो 5 नीचे 6 ऊपर, राइट। तो 6 अपॉन 5 और माइनस 25 6 था ही, फिर 5 5 जा 25 6 6 तो आपस में कैंसिल ही, राइट। तो क्या आया माइनस 5, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 5 और 6 आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। अभी इसमें भी सिंप्लीफाई वाले में यहाँ पे 9 और 10 अभी मैं करके कराया मैंने, उसको आप देखो जल्दी से। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन जैसे हमने अभी तक किया है वही सेम तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू फाइव जेड माइनस सेवन माइनस टू इंटू नाइन जेड माइनस इलेवन इज इक्वल टू 4 इंटू एट जेड माइनस थर्टीन माइनस सेवनटीन। तो क्या किया, सिंपल वही इसको सॉल्व करा है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आएगा 15 जेड, ब्रैकेट खोल दिया है तो ये मिल गया, यहाँ पे भी ब्रैकेट खोल दिया तो ये मिल गया। उसके बाद जो जेड वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर दिया और जो बिना जेड वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड। तो क्या आया 15 जेड माइनस 15 जेड माइनस 50 जेड और इधर क्या मिला माइनस 91 प्लस 21, राइट। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो माइनस 35 जेड, इसको सॉल्व किया तो माइनस 70। और आपको ही पता है अगर माइनस इधर ही है माइनस तो माइनस कैसे हटाएंगे, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस वन इंटू कर दो, इधर भी माइनस वन इंटू कर दो, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली 35 जेड इज इक्वल टू 70, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं नॉर्मल में, माइनस और माइनस कैंसिल, राइट। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 70 अपॉन 35, 35 टू जो 70 तो जेड इज इक्वल टू 2, राइट। ऐसे ही सोल्यूशन टाइम इसमें भी बहुत ईजी है, 0.25 मतलब 25 बाई 100, डेसिमल कैसे हटाते हैं अपॉन 100 कर दिया, 0.05 तो 5 बाई 100, राइट। और बाकी तो एज इट इज़ है। उसके बाद 100 और 100 देखो यहाँ का डिनोमिनेटर तो यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है और यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पूरा देखा जाए इनटू है ना, ये पूरा एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, ये और ये मल्टीप्लाई है तो आराम से कैंसिल हो सकते हैं। तो 100 कैंसिल, आप ये देख लो क्या हो जाएगा, ये 5 बाई 100 इंटू ये जब इधर आएगा तो 100 ऊपर जाएगा और ये जब इधर आएगा 25 नीचे, तो 5 5 ज़ा 25 100, राइट। तो इधर 5 ही तो बचेगा और ये 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 4f 20f माइनस 15 और यहाँ पे 10f माइनस 9, राइट। उसके f वाली टर्म एक साथ, बिना f वाली टर्म एक साथ, तो यहाँ पे 10f की वैल्यू 6 आई, f की वैल्यू 3/5 आई, है ना, क्योंकि 6 अपॉन 10 हो गया, उसको कैंसिल कर दिया 3/5। अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल में था इसीलिए हमने इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 0 0 3 माइनस 0 3, डेसिमल ऊपर गया, पॉइंट से 0 आया, फिर 5 6 30 तो 0.6, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, इन इक्वेशन को रिड्यूस किया लीनियर फॉर्म में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑब्जर्व देखो क्या दिया है, सॉल्व एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 3/8। क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस वन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 2x प्लस थ्री को 3 से, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू 3 इंटू ये 3 इंटू 2x प्लस थ्री। बस फिर उसके बाद तो जानते हो, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो तो ये आ जाएगा, राइट। देखो 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर x वाली टर्म एक साथ कर दो, बिना x वाली टर्म एक साथ कर दो, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट। ये 2 इधर चला जाएगा, आपको ही पता है LHS से जब RHS से जाता है जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाता है, राइट। सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर आपको चेक करना है तो चेक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो ये वाली साइड है इसमें वैल्यू डाल दो x की, और जब वो वैल्यू डालो तो क्या आनी चाहिए हमारा आंसर, 3/8। देखो क्या वही आया है, यहाँ पे देखो LHS की हाफ प्लस वन, इसको ये किया LHS, यहाँ पे ये आया, उसके बाद जब किया तो लास्ट में आंसर 3/8 आया, राइट। ओके, अब ऐसे ही एग्जांपल एक दिया है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। अनु और राज की जो प्रेजेंट एज है कौन सी रेशियो में, 4:5। तो यहाँ पे इसका मतलब अनु की एज आपको ही पता है 4x, राज की एज हम 5x मान लिए, और 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 8 साल बाद जो उनकी एजेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, 5/6 मतलब 5:6। 5:6 का मतलब क्या, 5/6, जैसे 4:5 का मतलब 4/5, राइट। तो इसका मतलब आज से 5 साल बाद की जो एज है वो 5/6 के रेशियो में हो जाएगी, तो बस उसी फॉर्म में लिखा है। तो अभी 4x 5x है, 8 साल बाद है ना, 8 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, 4x प्लस 8 अनु की एज और 5x प्लस 8 राज की एज, राइट। अब उसके बाद क्या बोला है, जो इनकी एजेस का रेशियो है वो 5:6 होगा, मतलब
4x plus 8 मतलब अनु की एज अपॉन राज की एज 5x plus 8 will be equal to 5 by 6, right? उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन है, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट, सिंपल इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, वही जो x की वैल्यू 8 है उसको हम यहाँ पे और यहाँ पे डाल देंगे तो हमें अनु की प्रेजेंटेज और राज की प्रेजेंटेज मिल जाएगी, ओके? चलो अब जल्दी से एक्सरसाइज 2.6 करते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें क्या यहाँ पे 1 और 5 वाला मैंने अभी किया, चलो देखते हैं। जस्ट सीधे को कितना इजी है, 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2 है, सिंपल, सीधे सीधे 8x माइनस 3 यहाँ पे अपॉन 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x आ गया, फिर यहाँ पे 8x माइनस 6x और ये 3 उधर चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई 2 है ना, x की टर्म एक साथ, बिना x वाली एक साथ, और यहाँ पे क्या है 7y प्लस 4 y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया। y की वैल्यू क्या आ गई, फिर 25 बाई y माइनस 20, y की वैल्यू माइनस 20 अपॉन 25, तो माइनस में है तो y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5, चाहो तो चेक कर लो y की वैल्यू इसमें डाल के, राइट, माइनस 4 बाई 3 आंसर ही आएगा, ओके? सो 2, 3 एंड 4 आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, ओके? जल्दी से 6 वाला देखते हैं, 7 वाला आप होमवर्क करिएगा, ठीक है? देखो हरी और हैरी की जो एज है किस रेशियो में, 5:7, 4 साल बाद जो उनकी एजेस का रेशियो होगा वो होगा 3:4, तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है, चलो देखते हैं। मान लो हरी की प्रेजेंट एज क्या है 5x, तो हैरी की प्रेजेंट एज 7x क्योंकि रेशियो दिया ही हुआ है, 4 साल बाद हरी की एज क्या होगी 5x plus 4 और हैरी की एज 7x plus 4, तो रेशियो क्या दिया है 5 साल बाद उनकी एजेस का 3:4, तो बस इसको अपॉन इसको कर दो और 3:4 के इक्वल कर दो, तो बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू क्या आई माइनस 4, मतलब माइनस x की वैल्यू है ना, क्योंकि 20x माइनस 21x और 16 उधर जाएगा माइनस 16, 12 माइनस 6 तो माइनस 6 बटा माइनस 4, तो x की वैल्यू आपको ही पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस 1 से बने माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो x इक्वल टू 4, तो हरी की प्रेजेंटेज 5:4 20 और हैरी की प्रेजेंटेज 7:4 28, ओके? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर का है न्यूमरेटर से बड़ा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है, 8 ज़्यादा बड़ा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर जो आएगा वो क्या होगा 3:2, तो बताओ रैशनल नंबर क्या है। अब मैंने आपको समझा दिया, इसको आप होमवर्क करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आंसर सारे डिस्कस करेंगे, ओके? यस, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड, एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एसएस कॉन्वेंट स्कूल दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज टू गिवन नंबर्स।